Hello viewers, my name is Yash and you are watching Sporttex. तो दोस्तों इस वीडियो में हम उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें CSK की टीम फॉर श्योर रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। तो वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 3 इंडियन और 2 फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, ओवरऑल 5 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक टीम रिटेन कर सकती है अकॉर्डिंग टू मेगा ऑक्शन रूल्स। और साथ साथ हम 3 ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्हें राइट टू मैच कार्ड या फिर अदर सोर्स के थ्रू जो है रिटेन किया जा सकता है। तो कुल हम 8 प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वेस्ट नहीं करते टाइम और पहले बात करते हैं उन मेजर 5 प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले इंडियन से शुरुआत करें तो यहाँ पे आते हैं नंबर 1 पे रविंद्र जडेजा। अब दोस्तों ये पर्टिकुलरली खिलाड़ी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा काबिल रखता है, काबिलियत है इस प्लेयर में, जस्ट बिकॉज ये आपको अच्छी ओवर्स डाल के दे सकते हैं और साथ साथ बैटिंग में बहुत ज़्यादा आपका फायर पावर ऐड करते हैं कहीं ना कहीं सर रविंद्र जडेजा। तो ऐसे में जो है रविंद्र जडेजा बनते हैं मेरे पहले खिलाड़ी जिससे CSK की टीम जो है रिटेन कर सकती है। नंबर 2 पे बात करें तो दोस्तों ये शॉकिंग नेम है बट स्टिल मुझे लगता है इस प्लेयर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। जस्ट बिकॉज अगर आपने लास्ट सीजन के 3 मैचेस देखे होंगे CSK के तो आपको पता होगा इस प्लेयर में कितनी क्षमता है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है ये पर्टिकुलरली ये प्लेयर। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकती है। थर्ड नंबर पर बात करें दोस्तों तो ये और कोई नहीं अपने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी है। मुझे पता है कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम थोड़ा शॉकिंग होगा बहुत लोग के लिए बट स्टिल मुझे लगता है CSK की टीम उन्हें फॉर श्योर रिटेन करती है, कर सकती है अगर मेगा ऑक्शन होता तब भी। अब बात कर लेते हैं फॉरेनर्स के बारे में। तो फॉरेनर्स में मैंने जो सबसे पहला नाम रखा है वो है फैफ ड्यू प्लेसिस का। अब इस पर्टिकुलर बैट्समैन बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट प्लेयर है जस्ट बिकॉज अच्छे टोटल अच्छे रन्स बनाते हैं हर मैच में, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इनकी मायने रखती है और कहीं ना कहीं ये अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। सेकेंड फॉरेनर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है आप सबके लिए, यहाँ पे मैंने रखा है सैम करन को जस्ट बिकॉज मुझे लगता है ये आने वाला फ्यूचर है CSK के लिए। तो ऐसे में हो सकता है CSK इन्हें जाने ना दे और CSK DG ब्रावो के ऊपर सैम करन को चुने। तो ये ओवरऑल 5 प्लेयर्स होंगे, मेजर प्लेयर्स होंगे जो कि मिलके कोर टीम बना सकते हैं CSK के लिए। बात करें अदर ऑप्शंस के बारे में दोस्तों तो जो अदर ऑप्शंस में 3 प्लेयर आते हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है दीपक चाहर का। अब इस गेंदबाज के बारे में बात करूं तो अच्छी ओवर्स डालते हैं स्टार्टिंग में, स्विंग बॉलिंग करते हैं साथ साथ, और बताओ इन प्लेयर के बारे में दोस्तों तो लास्ट ओवर्स में भी इन्होंने जो है डेथ बॉलिंग भी अच्छी की है। तो बहुत बड़े नाम है CSK के लिए और इन्हें भी राइट टू मैच कार्ड यूज़ करके जो है CSK की टीम रिटेन कर सकती है। इस नंबर में सेकंड की बात करूं तो यहां पे आते अंबती राइडू। अब मैं इन्हें नहीं रख पाया था जस्ट बिकॉज वहां पे 3 प्लेयर रखने थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि अंबती राइडू भी जो है बहुत बड़ा एसेट है कहीं ना कहीं CSK के लिए और CSK की टीम जो है इन्हें भी रिटेन कर सकती है फॉर द नेक्स्ट सीजन यूजिंग द राइट टू मैच कार्ड। थर्ड नंबर पर बात करें तो फिर से इंडियन बॉलर शार्दुल ठाकुर है जस्ट बिकॉज अगर आप देखो तो विकेट लेने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनमें कहीं ना कहीं और इसके चलते मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम भी जो है इन्हें रिटेन कर सकती है। तो दोस्तों ये है मेरे लिस्ट ऑफ 8 प्लेयर्स, एक्सपेक्टेड प्लेयर्स है ये जिन्हें CSK की टीम फॉर श्योर रिटेन करती हुई नज़र आ सकती है। आप ये तो मान के चलो अगर मेगा ऑक्शन होता है तो कुछ आपको इस टाइप का ही सीन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया हो, पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं आप सबने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।